हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी हेल्प में। जिन भी स्टूडेंट ने डिस्टेंस से एडमिशन ले रखा है, किसी भी सेमेस्टर में आप हो, कोई भी कोर्स हो आपका, जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पेपर को इस ईमेल आईडी या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेज दें। किस तरह आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है वो भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में 4 पेज हैं तो आपको चारों पेज की अलग अलग फ़ोटो क्लिक करनी है। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में दूसरा और तीसरा पेज एक साथ है तो आपको दोनों पेज की फ़ोटो एक साथ नहीं लेनी, अलग अलग फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो साफ़ और सीधी होनी चाहिए, सभी पेज की फ़ोटो लेनी है। फ्रंट जो आपका पेज होता है क्वेश्चन पेपर का, उसकी फ़ोटो भी आपको लेकर भेजनी है। फ़ोटो बनाने के बाद सभी पेज को आपको सीरियल वाइज अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको एक पीडीएफ बनानी है, साफ़ और सुथरी। पीडीएफ बनाने के बाद आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको पीडीएफ सेंड करनी है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ सेंड नहीं करना चाहते तो आप ईमेल पर भी पीडीएफ भेज सकते हैं। अगर आप पीडीएफ नहीं बनाना चाहते, सिर्फ फ़ोटो भेजना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे ईमेल आईडी देख सकते हैं। और स्क्रीन पर भी आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। बीए बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम एमए किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है डिस्टेंस के, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको भेजने हैं। रेगुलर स्टूडेंट भी क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेजें, जिससे अगले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर भेजें।